able to express itself in the phenotype of an organism. Regulation of gene expression में कोई gene जो है वो gene express कर रही है किसी particular organism में और उसका phenotypic जो character है यानी जो उसकी morphological या internal characters जो है वो तभी उसमें दिखेंगे जब जीन एक्सप्रेस करेगी. जीन एक्सप्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स की जीन्स होती हैं. पहले हम बात करेंगे जीन्स के बारे में. जो जीन्स, कुछ जीन्स ऐसी हैं जो रेगुलर एक्सप्रेस कर रही है और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उस सेल को, उस ऑर्गेनिज्म के सेल को. तो एक तो वो टाइप की जीन आ गई और एक सेकेंड टाइप की जीन होती है जिसका प्रोडक्ट जो है वो कुछ अमाउंट में चाहिए होता है, तो वो कुछ टाइम के लिए स्विच ऑन होती है और कुछ टाइम के लिए वो स्विच ऑफ हो जाती है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाउस कीपिंग जीन्स. हाउस कीपिंग जीन्स आर द वंस विच आर कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. हाउस कीपिंग जीन्स जो होती हैं वो किसी भी बॉडी मतलब ऑर्गेनिज्म के सेल्स में हर टाइम एक्सप्रेस कर रही है, विच आर कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. इट इज बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. वो इसलिए रेगुलर और कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेस कर रही है क्योंकि जो उस जीन के एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट आ रहा है उसकी सेल को डिमांड है, यानी सेल की रिक्वायरमेंट है उसका प्रोडक्ट. तो वो जीन, हाउस कीपिंग जीन्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस करती हैं. फॉर एग्जांपल जीन्स फॉर ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस जो एक सेल के अंदर का प्रोसेस है, एक सेल में जब ग्लूकोज की एंट्री होती है तो ग्लूकोज जो है दैट इज ब्रेक डाउन इनटू पाइरूविक एसिड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को करने के लिए वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रही हैं. अब वो एंजाइम्स जो है कौन सिंथेसाइज करेगा? जीन्स, स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर जीन्स जो हर टाइम एक्सप्रेस कर रही हैं और इन जीन्स के एक्सप्रेशन से प्रोटीन बन रहा है और वो प्रोटीन एंजाइम में मॉडिफाइड हो रहा है और वो एंजाइम्स उस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रन करवा रही हैं. तो उन जीन्स को बोलेंगे हाउस कीपिंग जीन्स. हाउस कीपिंग जीन्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. हाउस कीपिंग जीन्स को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी बोलते हैं. Now the second type of the gene is the regulated gene. Regulated genes are not expressing their effect all the time in all the cells. जो regulated genes होती हैं, वो सभी cells में लगातार express नहीं करेंगी. उन genes को बोलते हैं regulated genes. And regulated genes are also called non-consecutive genes or luxury genes. Their activity is regulated. Regulated genes की activity को कुछ factors जो हम regulate करते हैं. Therefore, they are called regulated genes. Gene regulation is the mechanism of switching off and switching on of the genes depending upon the requirement of the cell and the state of the development. जो जीन का रेगुलेशन होता है उस जीन के एक्सप्रेशन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर सेल उसको लगातार उसकी डिमांड कर रहा है तो वो जीन एक्सप्रेस करेगी कॉन्टिन्यूस. और जो रेगुलेटेड जीन है जिसको कुछ टाइम के लिए सेल उसकी प्रोडक्ट की डिमांड रख रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए स्विच ऑन होती है और वैसे वो स्विच ऑफ मोड में रहेगी. तो इस स्विच ऑन और स्विच ऑफ के मोड को कई फैक्टर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं. अब हम बात करते हैं जीन रेगुलेशन टू टाइप्स की होती है, नेगेटिव जीन रेगुलेशन एंड पॉजिटिव जीन रेगुलेशन. नेगेटिव जीन रेगुलेशन इज द जीन्स कंटिन्यू एक्सप्रेसिंग देयर इफेक्ट टिल देयर एक्टिविटी इज सप्रेस्ड. जब तक उन जीन्स की एक्टिविटी को, नेगेटिव जीन्स एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन कौन सा
लगातार एक्सप्रेस करती हैं और उनका इफेक्ट तब तक देखने को मिलेगा जब तक कोई फैक्टर उनको स्विच ऑफ ना करते। तो दैट टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेसिबल रेगुलेशन। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इज द पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन जीन्स रिमेन नॉन एक्सप्रेस्ड और अनलेस एंड अंटिल दे आर इंड्यूस्ड टू डू इट। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेंगी तब तक जब तक उनको कोई फैक्टर इंड्यूस ना कर दे। तो दैट टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इज द पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन या इंड्यूसिबल रेगुलेशन। अब हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव जीन रेगुलेशन है मैंने बताया कि उसमें कई फैक्टर्स हैं जो उसके उस जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑन कर रहे हैं या स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो वो फैक्टर्स एनवायरमेंट भी हो सकता है, वो कोई अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकता है जिसकी वजह से जीन्स के रेगुलेशन पे फर्क आता है। वो या तो रेगुलेट करेगी या फिर नहीं करेगी। जीन रेगुलेशन इज रेगुलेटेड बाय द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ओबेरॉन कंसेप्ट, जो जीन रेगुलेशन का एक टॉपिक है। जैकब मोनोड इन 1961 प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में एक जीन रेगुलेशन का मॉडल दिया। ओबेरॉन इज अ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ द जीन। ओबेरॉन क्या है? एक ग्रुप है जीन्स जो कोऑर्डिनेट वे में काम कर रही है और उन ओबेरॉन के अंदर जो जीन ग्रुप में आ रही है दैट इज स्ट्रक्चर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन्स आर द जीन्स विच ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए। वो ट्रांसक्राइब करेगा और मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट करेगा तो उससे पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। सेकेंड टाइप की जीन्स है दैट इज द ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन रिसीव द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। जो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर रही है दैट इज द रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज रेगुलेटर प्रोटीन। रेगुलेटर जीन क्या करता है? मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर वो प्रोटीन बनाएगा। दैट प्रोटीन कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन। उस रेगुलेटेड जीन का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट ऑपरेटर जीन की, इस जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। अगर ये रेगुलेटेड जीन अपना प्रोडक्ट बना रही है तो उसका प्रोडक्ट जो रहेगा ऑपरेटर जीन का वो बनेगा या नहीं बनेगा वो इस रेगुलेटेड जीन या रेगुलेटर जीन पे डिपेंड करता है। तो ऑपरेटर जीन रिसीव करता है प्रोडक्ट को किसके, जो रेगुलेटर जीन ने बनाया होता है। नाउ द थर्ड टाइप इज द प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन प्रोवाइड द अटैचमेंट साइड फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो उसमें मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए में जो एंजाइम हेल्प करती है दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट रहती है ये प्रमोटर जीन के ऊपर। प्रमोटर जीन प्रोवाइड करता है साइट आरएनए पॉलीमरेज के लिए ताकि वो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज कर सके। अब यहां पे हम बात करेंगे जो ओबेरॉन कंसेप्ट दिया है उसमें बताया है कि अगर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर मीडियम में प्रेजेंट है तो वो कैसे एक्ट
प्रमोटर इंड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे ये जीन्स की बात की है, दिस इज द ओपेरॉन मॉडल। यहाँ पे हम इन जीन्स के एक्सप्रेशन समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ओपेरॉन के ऊपर जो स्ट्रक्चर जीन्स है, दैट इज थ्री स्ट्रक्चर जीन, लैक, जेड, वाई एंड ए। लैक जेड जब मैसेंजर आरएनए, मतलब उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है उस जीन से, दैट इज द प्रोटीन विच इज मॉडिफाइड इनटू एंजाइम दैट कोड्स किस, ये जीन जो है कौन से एंजाइम को कोड कर रहा है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। लैक जेड स्ट्रक्चर जीन है जिसमें ये एंजाइम सिंथेसाइज हो रही है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज का फंक्शन क्या है, ये लैक्टोज को, लैक्टोज जो एक डाइसैकेराइड है, जब मीडियम में डाइसैकेराइड पहुंचा है तो उसको ब्रेक डाउन करना है, तो ये ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज और ग्लाइकोज में। अब बात करते हैं वाई जीन। वाई जीन कोड करता है इस एंजाइम को, दैट इज द ग्लाइकोज परमेज, ग्लाइकोज परमेज एंजाइम को वो कोड करेगा। लैक वाई इस प्रोटीन की हेल्प से, सॉरी दिस प्रोटीन फाउंड इन द ईकोलाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू द सेल्स। ये जो एंजाइम है परमेज एंजाइम, दिस परमेज एंजाइम क्या करता है, ये ईकोलाई के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा लैक्टोज को, बाहर से सेल के अंदर परमिट करेगा। तो ग्लाइकोज परमेज एंजाइम जो है, ये लैक वाई जेड जो, सॉरी लैक वाई जो जीन है वो इस जीन को, सॉरी इस एंजाइम को बना रहा है जो परमिट करेगा लैक्टोज को सेल से अंदर की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वहीं पे सेकेंड टाइप, सॉरी थर्ड टाइप का जो जीन है, दैट इज द लैक ए। लैक ए जो है वो थियो ग्लाइकोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। इसका कोई फंक्शन वेल नोन नहीं है कि दिस एंजाइम क्या ये फंक्शन कर रहा है उस सेल के लिए। द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज नॉट नोन, इट इज कोडेड बाय द जीन लैक ए। अब यहां पे मैंने जो ये जीन्स बताई तीन, ये है स्ट्रक्चर जीन्स, और ये स्ट्रक्चर जीन्स ये वाली एंजाइम बना रही है, और एंजाइम्स, इन एंजाइम्स के ये फंक्शंस बताए गए हैं। ये कहां पे प्रेजेंट है, ओपेरॉन के ऊपर। कौन सी जीन्स है, स्ट्रक्चर जीन्स। अब इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करने के लिए अदर जो तीन जीन्स होंगी, ऑपरेटर, प्रमोटर, वो जीन्स हेल्प करेंगे। अब यहां पे हम उन्हीं जीन्स के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर जीन, जिसको शॉर्ट में लिखा है लैक ओ, लैक ओ ऑपरेटर जीन बाइंडिंग साइड फॉर द रिप्रेसर। लैक ओ जो है, ऑपरेटर जीन जो है वो रिप्रेसर के लिए बाइंडिंग साइड रहती है। वहीं पे प्रमोटर जीन जो है, दैट इज द बाइंडिंग साइड फॉर द आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही आगे मैसेंजर आरएनए बनाएगा और ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनेगा विच इज मॉडिफाइड इनटू एंजाइम्स। वहीं पे रिप्रेसर, रिप्रेसर जीन एनकोड करता है दैट जीन एनकोडिंग द लैक रिप्रेसर प्रोटीन एंड दैट बाइंड्स टू द डीएनए एट द ऑपरेटर साइड। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर जीन, और ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, डीएनए के ऑपरेटर जीन पे बाइंड करेगा और ब्लॉक कर देगा आरएनए पॉलीमरेज की एक्सप्रेशन को। जब रिप्रेस, रिप्रेस मतलब सप्रेस करना, किसी चीज को दबाना, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जगह अगर रिप्रेसर ज्वाइन कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगी और वो जीन जो होगी, स्ट्रक्चर जीन, वो ट्रांसलेट नहीं करेगी। जब ट्रांसक्राइब नहीं करेगी तो ट्रांसलेट नहीं करेगी तो उससे वो एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगी। ये कब होगा, जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। वहीं पे फोर्थ टाइप का, दैट इज द लैक आई इंड्यूसर जो है, दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन। ये कंट्रोल कर रही है जीन रिप्रेसर प्रोटीन की प्रोडक्शन को। अब बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द लैक ओपेरॉन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल बोले, केमिकल
सिंथेसाइज नहीं होगी क्योंकि प्रोटीन ही जो है आगे एंजाइम में मॉडिफाइड हो रही है। ये हो रहा है जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम वो ऑपरोन जीन स्विच ऑफ मोड में है। कौन सी स्ट्रक्चर जीन? जो ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, परमीएज एंजाइम और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम सिंथेसाइज नहीं करेगा। व्हेन द लैक्टोज इंट्रोड्यूस इन द मीडियम दैट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा लैक्टोज, द रिप्रेसर नाउ फेल टू बाइंड टू द ऑपरेटर। जब लैक्टोज नहीं था तो रिप्रेसर प्रोटीन इजिली बाइंड कर रहा था ऑपरेटर पे। ऑपरेटर जीन क्या कर रही है? ट्रांस स्ट्रक्चर जीन को आगे ट्रांसलेट ट्रांसक्राइब करवा रही है। बट अगर रिप्रेसर को पकड़ने वाला कोई बैठा है, यानी रिप्रेसर को लैक्टोज क्या कर देगा? फेल कर देगा कि वो ऑपरेटर के साथ उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। देयरफॉर ऑपरेटर इज मेड फ्री, ऑपरेटर साइड फ्री रहेगी क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन को लैक्टोज ने होल्ड कर दिया। एंड इंड्यूसेस द आरएनए पॉलीमरेज, जिससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इंड्यूस हो जाएगी ताकि वो इनिशिएशन कर सके प्रमोटर साइड पे जाके किस चीज की सिंथेसिस को, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को। दिस मैसेंजर आरएनए कोड फॉर द फ्री एंजाइम नेसेसरी फॉर द लैक्टोज कैटाबोलिज्म। वो मैसेंजर आरएनए जिन थ्री एंजाइम्स को बना रहे वो लैक्टोज के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है। व्हेन द लैक्टोज इज एब्सेंट, तो यहां पे ये बताया गया है रेगुलेटर जीन, दिस इज द ऑपरेटर साइड फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे रेगुलेटर जीन के प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज द रिप्रेसर प्रोटीन। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन, यहां पे कोई भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइड पे जाके, ऑपरेटर जीन पे जाके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज की साइड ब्लॉक हो जाएगी और वो आगे ट्रांसक्राइब नहीं करवा पाएगी स्ट्रक्चर जीन से। तो यहां पे लैक्टोज की एब्सेंस में ये स्ट्रक्चर जीन स्विच ऑफ मोड में है। अब बात करें कि जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एलोलैक्टोज इज फॉर्म्ड विद इन द बैक्टीरियल सेल, दिस फिट्स ऑन टू द रिप्रेसर प्रोटीन एट द अनदर एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट जो होती है, एलोस्टेरिक साइट पे वो बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन के, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन चेंज कर देगा अपनी शेप, कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे, इट कैन नो लॉन्गर सिट ऑन द ऑपरेटर साइड। जब ऑपरेटर साइड पे वो बाइंड नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज उस साइड पे, ऑपरेटर साइड पे जाके पहुंचेगा और प्रमोटर साइड पे, सॉरी ऑपरेटर साइड पे जब पहुंचेगा तो वो आगे स्ट्रक्चर जीन से ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए इंड्यूस कर देगा। यहाँ पे लैक्टोज की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे आप इस स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे बताया है दिस इज द इंड्यूसर, यहाँ पे आई है इंड्यूसर दैट फॉर्म्स अ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बना दैट इज अ रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स डज नॉट बाइंड टू डीएनए। ये कब रहेगा? जब लैक्टोज की प्रेजेंस है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब करेंगी, ट्रांसलेट करेंगी और ये तीन टाइप की एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज करेगा, जिनका अलग अलग रोल बताया है। तो ये है स्विच ऑफ मोड में और ये है स्विच ऑन मोड में। तो स्विच ऑफ यहाँ